आज की इस वीडियो में हम लोग क्राउड सोर्सिंग के बारे में जानेंगे। क्राउड सोर्सिंग में वर्क, इंफॉर्मेशन और ओपिनियंस पीपल के एक लार्ज ग्रुप से सोर्स की जाती है, जो अपने डेटा को इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन ऐप के थ्रू शेयर करते हैं। पीपल जो क्राउड सोर्सिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो कई बार एज अ पेड फ्रीलांसर की तरह ही वर्क करते हैं, जबकि कई अदर प्लेटफॉर्म्स कई स्मॉल टास्क को वॉलेंट्री बेसिस पे भी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक ऐप ड्राइवर को एक्सीडेंट या अदर रोड इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए इनकरेज करता है, जिससे नीडी लोगों को सारे अपडेट्स रियल टाइम में मिल जाती हैं। क्राउड सोर्सिंग एक प्रैक्टिस है जहां कॉमन गोल वाले लोग अपने विजडम को एक ग्रुप में यूटिलाइज करते हैं। इसका बेस्ट एप्लीकेशन तब होता है जब किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक इनोवेटिव वे में स्ट्रीमलाइन इन टैक्टिक्स के थ्रू सॉल्व करना हो। इस प्रैक्टिस को पहली बार जेफ होई की तरफ से 2006 में क्राउड सोर्सिंग का नाम दिया गया था। क्राउड सोर्सिंग कई सेंचुरीज से एग्जिस्ट करती है, पर ये प्रैक्टिस इमर्जिंग कॉमर्स, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन कल्चर के साथ और भी ज्यादा फेमस होती चली गई। अक्रॉस द ग्लोब कनेक्टिविटी इंक्रीज होना इसके ग्रोथ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। क्राउड सोर्सिंग कंपनीज को किसी भी कंट्री या अराउंड द वर्ल्ड कहीं से भी लोगों को वर्क सोर्स करने का मौका देता है, जो बिजनेसेस को एक एरे ऑफ स्किल्स और एक्सपर्टाइज पीपल बिना कोई नॉर्मल ओवरहेड कॉस्ट अपने इन हाउस एम्प्लॉय में इनकर्ड किए मिलता है। क्राउड सोर्सिंग कैपिटल रेज और स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए एक पॉपुलर मेथड बन गई है। ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग ऑप्शन के अल्टरनेटिव में क्राउड सोर्सिंग शेयर इंटरनेट ग्रुप को ट्रैप करता है और कन्वेंशनल गेटकीपर और इंटरमीडियरीज को बाईपास कर देता है, जहां हाई कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। क्राउड सोर्सिंग में यूजुअली एक लार्ज जॉब को कई स्मॉलर जॉब्स में ब्रेक कर दिया जाता है, क्योंकि एक क्राउड ऑफ पीपल स्पेशली उस छोटे छोटे जॉब को नो टाइम में कंप्लीट कर सके। तो अब थोड़ा सा क्राउड सोर्सिंग और क्राउड फंडिंग, इन दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं। क्राउड सोर्सिंग में लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है या फिर किसी वर्क या प्रोडक्ट पे काम करवाया जाता है, पर वहीं क्राउड फंडिंग में इन्वेस्टर्स, चैरिटी और स्टार्टअप कंपनी लोगों से मॉनेटरी सपोर्ट मांगती हैं। और अगर आपको क्राउड फंडिंग के बारे में डिटेल्ड वीडियो देखनी है, तो आप ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी देख सकते हैं। अब क्राउड सोर्सिंग के कुछ बेनिफिट्स को जानते हैं। क्राउड सोर्सिंग के एडवांटेज में कॉस्ट सेविंग, स्पीड और एबिलिटी टू वर्क विथ पीपल जिनके पास स्किल्स हैं जो इनहाउस टीम के पास नहीं होते हैं, उनका एक्सेस मिलता है। अगर एक टास्क टिपिकली एक एम्प्लॉय को परफॉर्म करने में एक वीक लग जाती है, तो एक बिजनेस उस टाइम को क्राउड फंडिंग के हेल्प से जॉब को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करके उन जॉब्स को आवर्स में कंप्लीट करवा सकती है। कंपनीज को जब कुछ जॉब्स किसी ओकेजन्स में करवाने होते हैं, जैसे कि कोडिंग्स और ग्राफिक डिजाइनिंग, तब कंपनी उन वर्क्स को क्राउडसोर्स कर अपना एक्सपेंस फुल टाइम इनहाउस एम्प्लॉय ना हायर करके सेव कर सकती है। तो अब क्राउड सोर्सिंग के थोड़े से एग्जाम्पल जानते हैं। क्राउड सोर्सिंग जॉब में कई टाइप्स के जॉब आते हैं, जिनमें वेबसाइट क्रिएशन और ट्रांसक्रिप्शन भी इंक्लूडेड हो सकता है, जहां एक कंपनी जिसे न्यू प्रोडक्ट डिजाइन करना है, वो ऑफन क्राउड की ओपिनियन लेती है, ना कि उस पे कोई स्मॉल फोकस्ड स्मॉल ग्रुप काम करता है। और इसमें कंपनी मिलियंस ऑफ कस्टमर से सोशल मीडिया के थ्रू रीच करके उनका ओपिनियन एक वैरायटी ऑफ कल्चर और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वेरिएशंस में कलेक्ट कर अपना डिसीजन ले सकती है। अब क्राउड सोर्सिंग के कुछ की टेक अवेज को जानते हैं। क्राउड सोर्सिंग में इंटरनेट की हेल्प से वर्क, इंफॉर्मेशन और ओपिनियन पीपल के एक लार्ज ग्रुप से सोर्स की जाती है। सेकंड, क्राउड सोर्सिंग वर्क कंपनी को टाइम और मनी सेव करने का मौका देती है, क्योंकि यहाँ पीपल जिनके पास डिफरेंट स्किल और थॉट हैं, उन्हें ऑल ओवर द वर्ल्ड टैप किया जाता है। क्राउड सोर्सिंग में वर्क और इंफॉर्मेशन कलेक्शन एक ग्रुप ऑफ पीपल से करवाया जाता है, जबकि क्राउड फंडिंग एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से मॉनेटरी बेनिफिट सीख करना है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको क्राउड सोर्सिंग के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।